हम चुपके चुपके नहीं चलेंगे, चलो ताड़का कहां पर है। सो आगे बढ़े हैं, ताड़का देखा है, ताड़का एक पत्थर पर और घुर्राटे मार के सो रही है। विश्वामित्र कहने लगे, गुरुदेव देखो ताड़का आगे सो रही है। भगवान राम सोचने लगे मन ही मन में, विचार मिलाने लगे, अगर सोते जीव को मारते हैं तो पाप होता है। प्रभु राम ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और जिस जगह पर ताड़का सो रही थी एक बाण खींच के दिया, वो बाण उस पत्थर में टकराया। बोले गोविंद भगवान की, ताड़का की नींद टूटी और ताड़का जैसे ही उठी तो मुंह फाड़ के प्रभु राम की तरफ चली। प्रभु राम ने दूसरा बाण फिर लिया और छोड़ दिया ताड़का का, वध कर दिया। बोले गोविंद भगवान। इसी प्रकार से प्रभु राम और लक्ष्मण जो भी राक्षस लोग मिलते गए हैं उनका वध करते गए हैं। बोल गोविंद भगवान। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हुआ यह है, के पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले, श्री जनक राज के धाम चले। खबर सुनी है तो कछ बात ना है, प्रभु राम की बधाई आ रही है। तो हम मेरे भैया खबर पाते ही आगे चले हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, और पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी यहां भयंकर है। तो चलते जा रहे हैं, एक निरखन वन है जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ के देखा है तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, पत्थर की शिला पड़ी हुई है, पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तब प्रभु राम ने कहा कि गुरुदेव, कहा कि गुरुदेव ये बताओ ये पत्थर कैसा पड़ा है। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम तुम्हें नहीं मालूम है ये पत्थर नहीं है, ये एक स्त्री है। प्रभु राम कहने लगे, गुरुदेव अरे ये बताओ पत्थर की स्त्री क्यों है। त
तो बोली तुम्हें नहीं मालूम है बेटा, हम तुम्हें बताए। एक बार इंद्र ने और गौतम ऋषि नारे अहिल्या को देखा तो इधर कहा कि एक बार इंद्र ने और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को देखा, देखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन हुआ यह है चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा सुबह के वक्त और वो गंगा स्नान को जाते हैं गौतम ऋषि, ऐसा करो चल के तुम मुर्गा बन जाओ और हम बाबा बन जाएंगे। चंद्रमा कहने लगा ये नहीं, तो माननी पड़ी चंद्रमा के लिए बात। कि तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा, चंद्रमा से तुम रात चले जाना, तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, और मैं घर घुस जाऊंगा तुम द्वारे पर रहना। आज मेरे भैया इंद्र के कहने पर वो चंद्रमा मुर्गा बनाए हैं और सही साँझ ही दोनों आ गए हैं और द्वारे पर आकर के आवाज लगाने लगे कौन मुर्गा, और मुर्गा ने जैसे ही आवाज लगाई है 3 बजे तो हुआ ये है बा मुर्गा ने बाबर फारो रे बकर, बा मुर्गा ने बाबर फारो रे बोलो 3 बजे 3 बजे राजा परीक्षित। गौतम ऋषि सोचने लगे आज बहुत जल्दी दिन निकल आया, अपनी वो धोती उठाई और कंधा पर डाली गंगा की तरफ चल दी। इधर वो इंद्र जो था घर में घुस गया। आज श्री सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित गौतम ऋषि गंगा पर पहुंच गए, उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा साथ साथ खड़ी हो गई, कहने लगी हे गौतम तू यहां आ गया,
अभी रात के 3 बजे हैं और तेरे घर पर छल हो रहा है। गौतम ऋषि वहीं से भगे, गीली धोती को कंधा पर डाला, जैसे ही द्वारे पर आए